तो आज हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली। शुरू करते हैं फ्लोरल फार्मूला से। ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट अब्सेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बायसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है इसे, कैलिक्स फोर अरेंजमेंट इन 2+2 मैनर, करोला फोर और कंडीशन है पॉलीपेटेलस, एंड्रोशियम 6 और अरेंजमेंट है 2+4, वाइल द गाइनोएशियम आर 2 सिनकार्पस और हाइपोगाइनस। सो चलिए देखते हैं अभी फ्लोरल डायग्राम। तो अभी स्टार्ट शुरू करते हैं आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल से जो है कैलिक्स। तो कैलिक्स की अरेंजमेंट कैसी है, 2+2, तो 2 बाहर है और 2 अंदर है। इस तरह के एस्टाइवेशन को कहा जाता है इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। तो शुरू करते हैं, ये पहला, सेकंड, तो ये हो गए 2 बाहर की तरफ और जो 2 है वो रहेंगे पूरी तरह से अंदर के साइड, ये थर्ड और फोर्थ। तो ये है इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन जिसमें एक कम्प्लीटली बाहर एक कम्प्लीटली अंदर, और यहाँ पे टोटल 4 है तो 2 कम्प्लीटली बाहर 2 कम्प्लीटली अंदर। सभी सेपल्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं है और सेपरेट हैं, तो इसे कहते हैं पॉलीसेपैलस कंडीशन, मतलब यूनाइट नहीं है। नेक्स्ट है करोला। करोला टोटल 4 है और ये अल्टरनेट रहेगा किसे, सेपल से। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इन केस ऑफ दी ये ब्रासिकेसी फैमिली में क्या होता है, ये जो पेटल्स हैं ये अरेंज रहते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, जिसको बोलते हैं क्रॉस मैनर में। ये हो गई लास्ट वन। तो ये अरेंजमेंट जो है वो है पूरी तरह से डायगोनल, अपोजिट, क्रॉस में है, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रूसीफॉर्म। और ये क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है ब्रासिकेसी फैमिली का। नेक्स्ट वन इज द एंड्रोशियम। अब जो एंड्रोशियम है वो टोटल 6 स्टेमेन है, लेकिन अब ये 6 स्टेमेन की जो अरेंजमेंट है वो 2+4 है, मतलब बाहर की साइड 2 है और अंदर की साइड 4 स्टेमेंस है। एक्चुअली इसमें कैसे है, द 2 आउटर मोस्ट जो बाहर है वो शॉर्ट है और जो 4 अंदर की साइड है वो लॉन्ग है, विच इज़ कॉल्ड एज टेट्राडाइनामस कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनामस। तो ये हो गए बाहर के 2 और ये रहेंगे शॉर्ट, दैट इज़ द आउटर वॉल जो रहेगा, और जो थर्ड फोर्थ जो है और फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये जो 4 है वो इनर वॉल पे है, तो इसकी लेंथ रहेंगी लॉन्ग। तो ये जो अनइवन लेंथ है स्टेमेन की उसको कहती है टेट्राडाइनामस कंडीशन। सो नेक्स्ट इज द गाइनोशियम। जो गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पेलरी है सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज है। तो अब जो फ्यूज है तो एक ही लोकल रहेगा, लेकिन ब्रासिकेसी फैमिली में देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम जिसे रेप्लम भी कहा जाता है। तो ये रेप्लम के वजह से क्या होता है, ये जो यूनिलोक्युलर गाइनोशियम है बायलोक्युलर हो जाती है, दो लोकल्स तैयार हो जाते हैं, और जिसमें जो ओव्यूल्स रहते हैं प्रेजेंट्स एन नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इन द पराइटल प्लासेंटेशन। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉल्स सेप्टम ये लोक्यूल्स दो लोक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, जिसमें कैलिक्स है 2+2, दैट इज इन ए इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में अरेंजमेंट है, करोला है 4 जो कि अरेंजमेंट है क्रिस क्रॉस में, और पॉलीपेटेलस है। एंड्रोशियम जो है वो 6 है, 2+4 अरेंजमेंट, और गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पेलरी है सिनकार्पस बट बाइलोक्युलर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो ये है फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली।